ये देखिए कैसे बंदर चिपका है। हेलो फ्रेंड्स, अरे छोड़, ग्लू चिपक जाता है, मुझे चिपकने वाले लोग ग्लू पसंद नहीं है, जो हर चिपकू है जैसे हो। मेरे बच्चे भी आपको विश करना चाह रहे हैं नवरात्रि, लेकिन मैं लंबी हो गई, वो छोटे हो गए, तो मुझे नीचे बैठना पड़ेगा। चलो भाई कहो हैप्पी नवरात्रि, और हाँ बोलो हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। आज है पहली नवरात्रि और मेरे बेटे ने और मैंने आज फास्ट रखा है। इसने पहला फास्ट रखा था शिवरात्रि का, इसने रखने शुरू कर दिए हैं। कोई ना कम से कम कोई तो मेरी तरह होगा जैसा भी है, लेकिन बड़े होके अच्छा निकले, बस मैं ये चाहती हूँ पूजा पाठ ही निकले, है ना, ऐब ना हो मेरे बेटे में। तो बस मैंने पूजा वूजा कर ली, अब हम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने सोचा पहले मैं मखाने भून जाती हूँ, या तो खीर बनाऊंगी, या फिर नमक वो सॉरी मखाने पारी बना लूंगी, या फिर चाशनी बना के मखानों को खाली देसी घी में भून के उसमें चाशनी में डिप कर लिया, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। हिमादी कह रही है मैं भी आ गई हूँ, लेकिन हिमादी ने व्रत नहीं रखा है। हिमादी ने कुछ खाया, बिस्किट खा लिया ना, नहीं खाया अभी, लेकिन हिमादी व्रत भी रखेगी, बहुत छोटी है। हाँ हिमादी ने चिंगम खा लिया, उसका व्रत टूट गया। ये मैंने देसी घी में मखाने भूनने के लिए डाल दिए, मुझे लग रहा है और भूनने पड़ेंगे, क्योंकि हिमादी जो है वो मखाने बहुत पसंद करती है, वो पहले ही तैयार हो गई है कि मुझे दे दो। मैंने कहा भून के देती हूँ, बस भून रही हूँ मैं, फिर थोड़े और भून लूंगी, थोड़ी खीर बना लूंगी और थोड़ा मीठे वाले मखाने पारे बना लूंगी, क्योंकि हम लोग सेंधा नमक खाते हैं बस, और एक ही टाइम खाते हैं, तो नमकीन बनाना बेकार ही होगा, क्योंकि दिन में तो मैं खाऊंगी नहीं, फलाहारी करूंगी। वैसे तो आज हम फलाहारी करते हैं, मतलब मैं रोटी नहीं खाऊंगी और सादा नमक खाऊंगी, या तो आलू की गुटके बन जाएंगे, रायता बन सकता है, या लौकी खा ली, या खीर बना ली, इस टाइप का ही खाना है। बस मेरा है मम्मी को मैं चाह रही हूँ व्रत ना रखें, लेकिन अब कहेंगी तो रखना पड़ेगा। वैसे मम्मी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं खा रखा है, तो देखती हूँ मम्मी क्या करती है, वरना आलू का हलवा भी बना लूंगी। मखाने लगभग भून चुके हैं, थोड़ा सा और भूनूंगी, उसके बाद ठंडा करने के लिए इसे मैं रख दूंगी। ये आ गए हम मोहल्ले के मंदिर में, किसी के घर में ही बना हुआ है ये मंदिर। चप्पल उतारो बेटा, यह है हमारे मोहल्ले का देवी जी का मंदिर, एक भूमिया मंदिर है और ये देवी जी का मंदिर है। ये दोस्ती कभी हम ना तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे। यह तीन दोस्त रोहित साथी हैं, गर्व जो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आज पिताजी बच्चे हो गए, बताओ स्विंगर में, बच्चे के स्विंगर में इतने पहलवान छाप आदमी बैठे घूम रहे हैं, वो टूट नहीं जाएगा स्विंगर, अब उठ गए, इधर लगा मैं लुढ़कता हूँ। खाने में बनाए हैं मैंने आलू के गुटके, क्योंकि मैं फलाहार खाती हूँ, और बना रही हूँ ये मखाने की खीर, बहुत सिंपल सी बनाई है मैंने,
अभी तो आपको भाते जैसी लग रही होगी। मैंने मखाने भून लिए थे देसी घी में, उसके बाद मैं मिक्सी में दूध डालती हूँ, चीनी डालती हूँ, मखाने डालती हूँ, उसे पीस लेती हूँ और थोड़ा सा ऐसे गुनगुना कर लेती हूँ बिना, ठंडी भी अच्छी लगती है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स, और रायता मैंने नहीं बनाया है, बस ये दही है, इसको जितना मन करेगा खाऊंगी मैं, यही खाऊंगी। और इन लोगों के लिए आटा गूंथती हूँ, और थोड़ी सुबह की खड़ी दाल बची हुई है, काले चने, राजमा और छोले सब मिक्स करके बनाई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम भी यही खा लेंगे, तो फिर क्या, तो फिर बस मैं इतना सा ही व्रत का खाना बना रही हूँ, ना ताकत हो रही है शरीर में। शाम को मैं बच्चों के साथ घूमने गई थी, आज तो रोहित, कार्तिक, डिक्कू, हिमाद्री, ममता, नंदिनी हम सब गए थे आमडंडा से, थोड़ा सा आगे तक गए थे, रिंगौड़ा नहीं जा पाए थे, पहले सोचा कि रिंगौड़ा जाएंगे, फिर हम लोग नहीं गए क्योंकि थकान लगने लगी थी व्रत की वजह से। तो आज मैंने मेरा एक चैनल, एक चैनल है मेरा दीपिका, वो सॉरी रामनगर दीपिकास फैमिली, और दूसरा है मेरा उत्तराखंड डीपी। प्लीज मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मुझे सब्सक्राइब करता है अगर यूट्यूबर है तो मैं दोनों की ही फुल वॉच करती हूँ, और जो अगर वो नेचुरल ऑडियंस है तो वो करें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर लेकिन शायद मेरे ब्लॉग अभी नेचुरल ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहे हैं या उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर यूट्यूबर्स ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पता नहीं कब मैं भी फेमस होंगी, कब मेरे ब्लॉग फेमस होंगे, मेरी समझ में नहीं आता मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे ब्लॉग भी पॉपुलर हो जाए। क्या किस्मत है, देखते हैं क्या होता है, चल पाते हैं चैनल या नहीं चल पाते हैं। अपनी ओर से मैं कोशिश कर रही हूँ, एक डेढ़ साल देखती हूँ, नहीं चले तो फिर मैं बंद ही कर दूंगी अगर नहीं चल पाते हैं तो। तो इसी के साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय। बस पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ क्योंकि बहुत भूख लग रही है जोरों की। आज चेहरा भी देखिए मेरा उतर गया है, पहले जैसा नहीं है चमक। बाय बाय।